सभी सुनने वालों को नमस्कार. हम लोग आज इस रविवार की सुबह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आए हुए हैं. श्रीएम के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये जरूर जानते होंगे कि आज से 5 या 6 साल पहले श्रीएम और उनकी टीम ने एक ऐतिहासिक पदयात्रा की थी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उसका पूरा स्पेक्ट्रम था और उनका मकसद था सांप्रदायिक सौहार्द. जो अभी कुछ को छुआ गया है, कुछ अभी पहलू अनछुए हैं, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमने सोचा कि आकाशवाणी के साथ इस बातचीत में हम थोड़ा और गहरा उन्हें जानने की कोशिश करें. उनकी किताबें, उनका अध्ययन, उनका चिंतन, उनका दर्शन, इस पर कुछ बात की जाए. श्रीएम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. नमस्कार, धन्यवाद. और मैं आपको श्रीएम कह के ही संबोधित करूंगा. शुरुआत के लिए क्यों ना किताबों से शुरुआत की जाए आपकी. मेरे हाथ में आपकी ताज़ा 2 किताबें हैं, जिसमें से सबसे नई है ऑन मेडिटेशन, फाइंडिंग इनफाइनाइट ब्लिस एंड पावर विद इन. और इससे पहले छपी है आपकी ये उपन्यास है और जिसका टाइटल है शून्य. नॉवेल, उपन्यास, नॉवेल. इससे सबसे पहले लेकिन 2011 में आप के संस्मरण आए थे Apprenticed to a Himalayan Master, a Yogi's Autobiography. जी. शुरुआत करते हैं पहली किताब से. जी. या मैं ये कहूं कि इससे भी थोड़ा पहले जाएं और एक वक्त रहा होगा जब आपने लिखा नहीं था, लिखना चाह रहे थे. जी. वो एक, क्या आसमान में कोई बिजली चमकती है कि अब चलिए मुझे पेन और कागज मिल गया, नाउ आई हैव अराइव्ड, अब मैं लिखूंगा. ये होता क्या है, कैसे होता है, एक राइटर कैसे पैदा होता है? हाँ, ये जनरली कैसे होता है मुझे नहीं पता, मगर मेरे लाइफ में जैसा हुआ मैं आपको बताऊंगा. मेरे गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी बड़े अजीब किस्म के आदमी थे, बेयर फुट थे, कभी गंगोत्री ग्लेशियर पर भी ऐसा ही चलते थे, ऐसा आदमी. पदयात्रा ही करते थे, वह पदयात्रा हमारा वहीं से डिराइव हुआ. वो कभी गाड़ी में नहीं जाए, वाहन में नहीं चढ़ते थे. मैं ऐसा नहीं हूँ, डिग्रेडेड हूँ. तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि तुम्हारी आत्मकथा ज़रूर लिखोगे. मैंने उनको कहा कि बाबा जी, आत्मकथा वगैरह मैं तो नहीं लिख पाऊँगा. तो वो बोले जब समय आएगा तो आपको उसको लिखना ही पड़ेगा. तो मैं बहुत साल से सोच रहा था कि लिखना है कि नहीं लिखना है, कहीं लिखना है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर ये पब्लिक हो जाए जो मेरी आत्मकथा है तो ज़रूर लोग आना शुरू कर देंगे और मेरा जो शांत और एकांत जो जिसमें मैं मन्नापल्ली में रहता था, छोटा सा गांव है आंध्र प्रदेश में, ये ख़त्म हो जाएगा. इसलिए मैं बहुत हेसिटेट किया कि इसको नहीं करेंगे. फिर बहुत साल मैंने मेरे जो अनुभव है उसको अपने सर में लेके घूमा. कितने साल लग गए जब गुरुजी से बात हुई थी? ओ, तो मैं 19 साल में गुरुजी से मिला था बाबा जी से और 25 साल में मैं वहाँ से वापस आया. और 81 में बाबा जी का समाधि हो गया, महासमाधि. तो इतने साल जब तक मैंने लिखा है 2011 में, तब तक ये मेरे सर पे इसको लेके ढो के चल रहा था. मुझे लगा कि वेट भी बहुत ज़्यादा है, इसको उतारना ही पड़ा. ये कैसा हो सकता है कि अनुभव, अजीब अजीब अनुभव हुए हैं और लोगों से नहीं शेयर कर सकते हैं, ये बड़ी मुश्किल की बात है. उसको अंदर से एक तरह से डिप्रेशन नहीं कहूँगा, मगर हाँ,
तो मैंने कहा अभी तो बाबा जी ने कहा ही है, लिख देंगे, पब्लिश करें नहीं करें बाद में सोचेंगे। और कह के ऐसी चीज़ें हैं लोग विश्वास नहीं करेंगे, कोई बात नहीं जो लिखना लिख दो। मैं फिर लिखना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मुझे लिखने की आदत या लिखने का एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं जर्नलिस्ट का काम किया हूँ बहुत सारा, पहले से थोड़ा कुछ फिक्शन लिखा हूँ शॉर्ट स्टोरीज इंडियन एक्सप्रेस के लिए, ऐसा तो अंग्रेज़ी भाषा का प्रॉब्लम कुछ नहीं था। मगर ये अलग चीज़ है ना, इसको बड़े केयरफुल से लिखना चाहिए, आत्मकथा है, गलत नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने 6 महीने इसके बारे में खाली सोचा और कहीं कहीं अगली दूर जगह में जाके बैठ के इसके बारे में चिंता करना। मुझे ये मालूम था कि अगर चिंता ठीक नहीं होगी तो फिर पेपर में ठीक से नहीं लिखा जाएगा। सो आई डिडंट स्टार्ट राइटिंग, मैंने पहले इसके बारे में अच्छी तरह सोचा। और पहले बार बंदीपुर में मेरा एक फॉरेस्ट के पास एक छोटा सा कुटीर जैसा है कर्नाटक में, तो वहाँ बीच बीच में जाके मैं रहता था कि एकांत के लिए, तो वहाँ जाके शुरू किया। और ये बड़ी आपको अजीब लगेगा मगर मुझे तो ये नेचुरल ही लग रहा है, जब मैं बैठा और कलम लगाया पेपर के ऊपर तो अपने आप लिखना शुरू हो गया। अब अनकॉन्शियस राइटिंग नहीं है, कॉन्शियस है, मगर आइडिया की कोई कमी नहीं थी, स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो अपने आप फटाफट आने लगा। लोग मेरे आत्मकथा पढ़ के पूछते हैं क्या आप कुछ कैलेंडर रखे थे, क्या आपका कुछ डायरी था क्या, क्योंकि इतना एक्यूरेट है। कोई डायरी नहीं थी मेरी, जब मैं नहीं लिखता था तब ये कोई याद नहीं आता था, ये सब खाली जब लिखने के लिए बैठता था तब पूरा याद आता था। तो ऐसा शुरू। बात चल रही है श्रीएम की आत्मकथा की। श्रीएम, आत्मकथा जब लिखते हैं हम, तो एज अ राइटर हमें बताइए, अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो बहुत अंतरंग होते हैं, इंटीमेट होते हैं, क्या राइटर के सामने ये चैलेंज होता है कि उन्हें वो इंक्लूड करें अपनी ऑटोबायोग्राफी में और जग जाहिर होने दे, या छुपा के रखूं इसको, इस पहलू को नहीं मैं आगे जाने दूं? नो, बहुत सारा चैलेंज होता ही है, क्योंकि ये जो आत्मकथा है ये बहुत सारी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि योग के बारे में, ऐसी क्रिया के बारे में बहुत सारा डिस्कशन जो हुआ है बाबा जी के साथ, इसको तो हम पूरा लिख नहीं सकते। मैं तो इसको खाली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो पब्लिक के सामने रखा जाए इतना ही लिखूं, बाकी नहीं लिखा। और थोड़ा था जिसको मैंने सेकेंड वॉल्यूम में द जर्नी कंटिन्यूस में लिखा, आपके पास वो नहीं है, जर्नी कंटिन्यूस में, वो 4 साल बाद, मगर इसका मतलब नहीं है कि पूरा हो गया, और भी बहुत कुछ है जो मैं उसमें अभी लिखना नहीं चाहता हूँ इस स्टेज में, क्योंकि पब्लिक को और थोड़ा कुछ अवेयरनेस होना चाहिए जब उसको पढ़े। अब जैसा कि मुझे आई हैव सम आइडियाज मेरे अनुभव के हिसाब से, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, कि देर आर एलियंस फॉर इंस्टेंस, अब मैं नहीं लिख सकता, अब लिखूंगा तो फिक्शन बन जाएगा। अच्छा, तो ऐसे, और जैसे कि योगिक प्रैक्टिसेस में जैसे तंत्र के कोई प्रैक्टिसेस होते हैं उसको तो हम लिख नहीं सकते, और उसके बारे में जो चर्चा बाबा जी से वो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ है, जिसको इंटरेस्ट है उससे बात करके दिखा सकते हैं, सिवाय नहीं कर सकते। तो इसलिए, मगर इन जनरल आप देखेंगे तो आत्मकथा में जो रेलेवेंट है लाइफ के डेवलपमेंट में और मेरे माइंड के एवोल्यूशन में, वो पूरा मैंने लिखा। श्रीयम, आत्मकथा से अब बढ़ते हैं शून्य की तरफ। ये एक नॉवल है और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, एज अ रीडर ही पढ़ रहा था मैं, नॉट एज अ ब्रॉडकास्टर, तो पहले 10 पेज के बाद मुझे जब खाना खाने के लिए कॉल आई तो वो ना तो मैंने सुनी, इट वॉज सो ग्रिपिंग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, शून्य का जो कैरेक्टर है इसमें,
उसमें मुझे शक होने लगा है कि वो मतलब आप ही से कहीं से पता नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब क्या ये आने वाली किताबें भी आत्मकथा का ही एक एक्सटेंशन होता है, ये मतलब क्यूरियोसिटी होती है। हाँ, तो ये तो पहले ये तो नॉवल है शून्य। अब ये तो आपको पता रहेगा कि फिक्शन क्या है, कुछ फैक्ट तो बेसिस होना चाहिए फिक्शन के लिए। अब हम फैक्ट को एम्ब्रॉयडर करते हैं वो फिक्शन बनता है, ऐसा कोई नया फिक्शन कोई बना नहीं सकता है। तो अगर मैं फिक्शन लिख रहा हूँ तो उसके अंदर कोई फैक्ट्स होंगे जिसका अनुभव मुझे होगा, उसको मैं फिक्शनलाइज कर रहा हूँ। मगर ये शून्य मैं नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक कॉन्सेप्ट है अवधूत का, परमहंस अवधूत। अवधूत जो होते हैं वो सत्य को अनुभव हो गया उनका, और उनको ना नॉर्म्स रहते हैं कि सोशल कुछ कंडीशनिंग कुछ नहीं रहते हैं। कैसे अवधूत हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, चलते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े जैसे नित्यानंद थे गणेशपुरी में और उसके पहले बहुत सारे, तो कई लोग उनको पागल भी समझते हैं क्योंकि वो पागल जैसे रहते हैं कभी। इनका इतना हाई डोज एनर्जी इनके अंदर अनुभव हो गया कि वो नॉर्मल कैपेसिटी सब टूट के ख़त्म हो गए, ऐसे लोग हैं। तो ये जो शून्य का कैरेक्टर है, मैं जहाँ जहाँ अवधूत के बारे में सीखा हूँ, सुना हूँ और मिला हूँ, इसको सब मिला के मैंने ये कैरेक्टर मैन्युफैक्चर किया शून्य। आपकी लेखन शैली में मैंने ये महसूस किया कि बतौर एक पाठक कि आपने जो चित्र बनाया है शब्दों के माध्यम से केरला राज्य का जी। वो साफ तौर पर उभर कर आता है और मुझे तो वहाँ की हरियाली तक नज़र आने लगी थी, और जो टॉडी सेंटर है वहाँ पर उसका जो डिस्क्रिप्शन है बड़ा विविड है। वो उसमें पाठक को वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बहुत सटली डोज मिलता रहता है। उसमें एक तरफ एक पुरानी बुलेट भी चल रही है, एक तरफ कैलेंडर लगा हुआ है जिसमें नारायण गुरु की तस्वीर लगी हुई है। तो वो कैलेंडर का उस जगह पर होना, ये महज एक इत्तेफाक है या एक लार्जर मैसेज है? लार्जर मैसेज है उसमें, क्योंकि मैं ये डिपिक्ट करना चाहता था। जब शून्य का लॉन्च हुआ तो मोहनदास पै जो एग्जीक्यूटिव है, इन्फोसिस के फाउंडर थे वगैरह, वो पैनल डिस्कशन के लिए आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों खाली पहली नॉवेल आपकी केरल में क्यों बेस करें, तो भारत तो बहुत बड़ी जगह है, तो आप दिल्ली में या यूपी में कहें, आप तो सब जगह यात्रा किए हैं आपको सब। मैंने कहा ऐसे ठीक है, मगर पैदा जहाँ हुए और पले और 19 इयर्स तक हमारा जो इन्फ्लुएंस हुआ, इतने अच्छे दूसरी जगह के बारे में हम लिख नहीं सकते, होगा नहीं, क्योंकि वो अपना पूरा अब्जॉर्ब्ड है अंदर। तो इसलिए मैं उसको केरल में बेस किया, क्योंकि मेरा पहला नॉवल था, पता नहीं कोई पब्लिश करेगा कि नहीं। मैंने कहा जितना एक्चुअल रियल है उतना होना चाहिए, तो मैंने जो फेमिलियर टेरिटरी है उसके बारे में लिखा। आप कोई नॉवेलिस्ट अनफेमिलियर टेरिटरी के बारे में लिखता है तो दो पेज में एडिटर को मालूम हो जाता है इसको इसके बारे में पता नहीं है। तो इसलिए मैं जो लिखा, आई डिडंट हैव मच एफर्ट टू डिपिक्ट दैट। और केरल का सिस्टम ऐसा है कि सोशल रिफॉर्मर्स में, एक बहुत बड़े रिफॉर्मर श्री नारायण गुरु थे, तो पार्टली कास्ट सिस्टम का टूटना उनसे शुरू हुआ, दूसरे साइड में कम्युनिस्ट दोनों। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं उसको पिक्चर में ले आने का प्रयत्न कर रहा था। और ये एक यूनिक फैसेट है केरला का। और जनरली मैं इसलिए कहा कि मोस्टली ये जो टॉडी शॉप वगैरह जो हैं वो इस कम्युनिटी के लोग चलाते हैं, जो कम्युनिटी के जो जिनको नारायण गुरु से बहुत सारा एनकरेजमेंट मिला है, इससे उन्होंने ऊपर आए हैं। आजकल तो वो बहुत एडवांस्ड है, फाइनेंशियली एजुकेशनली सब बहुत एडवांस है। नारायण गुरु रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी। तो
अच्छा श्रीम, आपने तो पूरे उपन्यास का शीर्षक ही शून्य रखा है। शून्य की महत्ता पर अगर जरा सा गौर किया जाए, आपने एक जगह कंपैरिजन भी किया है कि शून्य को एक भाषा में शून्य कहते हैं तो एक विधा में उसको पूर्णता का भी एक, तो ये जो डाइकोटोमी है ये थोड़ी सी समझ से एक आम उसके लिए। ये नॉवल है इसलिए मैंने ज़्यादा फिलोसॉफिकल डिस्कशन में नहीं गया हूँ इसके अंदर, मगर मैं तो कहाँ हूँ कि वेदांत में अब देखिए कि बुद्धिस्ट फिलोसफी जो है और इंडिया में कन्नड़ ऋषि जो चार्वाक फिलोसफी के हैं, एथिस्ट हैं, ईश्वर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बुद्धिस्ट का नया इन्वेंशन है, ऐसा नहीं है। तो इसमें अल्टीमेट रियलिटी को शून्य कहते हैं, मगर आप लेकिन वो नथिंगनेस नहीं, नहीं है, है। तो इसलिए हाँ, अब दूसरी चीज, इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड मैथमेटिक्स में शून्य, जीरो, जीरो का कॉन्सेप्ट है। अब जीरो नथिंग नहीं है, अब वन के साथ कितने जीरो डालेंगे उतना उसका वैल्यू बढ़ता है, तो जीरो नथिंग नहीं है। इसका मतलब है कि कोई और चीज़ से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही। उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और भी है मगर मैं जनरली कह रहा हूँ। तो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्कवरी ये शून्य है, और बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऐसा, तो गौतम बुद्ध यहीं से गए, उनके जो टीचिंग्स हैं मैं समझता हूँ कि उपनिषद के शुद्ध ज्ञान है। तो उन्होंने प्रकृत में लिखा, संस्कृत में नहीं लिखा, क्योंकि वो एक रिबेलियन था कि संस्कृत एक सोसाइटी के पास है, हम उससे निकल जाएं, इसलिए। मगर एसेंस वही है। अब इसको अगर मैं आपको एक उपमा दे सकता हूँ कि आदि शंकराचार्य तो हिंदू सिस्टम के बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, बुद्धिस्ट तो नहीं है, और उन्होंने वेदांत लिखा और वेदांत के इतने कमेंट्रीज उन्होंने लिखा। तो जब आदि शंकरा बनारस गए पहले बार और जब वेदांत का प्रवचन देना शुरू किए, तो वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कम्युनिटी थी वो कहने लगे कि ये तो हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा तो ये तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी जैसा, क्योंकि जो परब्रह्म का डिस्क्रिप्शन जिसका कमेंट्री है शंकराचार्य की, ब्रह्मसूत्र की और उपनिषद की, उसमें लगता है कि परब्रह्म का कॉन्सेप्ट एकदम शून्यता की ओर है, बहुत पास में है। तो इन्होंने सोचा कि ये बुद्धिस्ट प्रीचर है, ऐसे एक डिस्गाइज में आया है, तो उन्होंने उनका एक नाम रखा प्राचन्न बौद्धिका, बुद्धिस्ट डिस्गाइज। मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि जो पूर्णमादा पूर्णमिदम पूर्णता का जो डिस्क्रिप्शन उपनिषद में है वो, और ये शून्यता का जो डिस्क्रिप्शन है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में और नागार्जुना में प्रज्ञा पारमिता में, बड़ा एकदम क्लोज है। मैं प्रेफर करूंगा पूर्णता का डेफिनेशन, मगर ये कैरेक्टर शून्य है इसलिए शून्यता ज्यादा इम्पोर्टेंट। आते हैं आपकी श्रीम जो लेटेस्ट किताब है, ऑन मेडिटेशन फाइंडिंग इनफाइनाइट ब्लिस एंड पावर विद इन। एक सरसरी निगाह मारे इस पे तो एक नई लेखन शैली देखने में आई और वो है प्रश्नोत्तर जी। तो सबसे पहले तो इस शैली के बारे में जानना चाहेंगे, ये प्रश्नोत्तर क्यों, आपने पहले एक प्रस्तावना है फिर प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर जो है ये कोई नई सिस्टम नहीं है, नया मेथड नहीं है। 1500 साल पहले से जो उपनिषद की चर्चा होती है सब डायलॉग है, संवाद है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर पूरा। आप देखिए उपनिषद में जाके कौन सा भी उपनिषद शुरू होता है, अब से क्यों उपनिषद शुरू होता है, क्वेश्चन से शुरू होता है। ऋषि ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं ऐसितम पठति प्रसितम मनः, ये मन का पहला मूवमेंट कहाँ से शुरू होता है, कौन करता है, प्रश्न है। प्रश्न उपनिषद का नाम ही प्रश्न उपनिषद है। तो ऐसे उपनिषद का स्टाइल ही ऐसा है सिखाने का, प्रश्न उत्तर, तो डायलॉग संवाद,
संवाद एक से नहीं होता है, संवाद के लिए दो चाहिए। भगवद गीता तो संवाद ही है, ऐसा तो भगवान कृष्ण ज़्यादा बोलते हैं, अर्जुन कम बोलते हैं, फिर भी है तो प्रश्न और उत्तर गीता में ही लिखा जा गया है। लास्ट में हर चैप्टर में आप देखिए श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की संवाद है। तो इसलिए मैंने सोचा आजकल मेडिटेशन के बारे में ध्यान के बारे में लोग लिखते हैं तो इतना बड़ा थीसिस जैसा लिखते हैं, उसमें कहीं पूछने का या सवाल करने का कोई जगह ही नहीं रहती है। तो मैंने कहा उपनिषदिक स्टाइल में इसको एक क्वेश्चन आंसर बनाए। तो इसका जीनिसस यह है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ इसके अंदर जो आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर, तो संसार में सारी जगह में पूछे हुए प्रश्न आइए, इंडिया में नहीं सब जगह में, ऑस्ट्रेलिया US जर्मनी स्विट्ज़रलैंड इंडिया सब है इसके अंदर। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर देता हूँ, वो सब टेप्ड है। इसको मैंने एक कंपाइल किया, हाँ मैंने अपने आप छोटा व्यास बन गया। संस्कृत में व्यास का मतलब कंपाइलर है साहित्य से वांग्मय वही। तो इसको मैंने कंपाइल किया और फिर हमने पेंगुइन को भेजा और बोला इसको देखिए। वो बोले क्या ऐसे मेडिटेशन में प्रश्न उत्तर है ही नहीं, इसको हम ले लेते हैं। तो ऐसा शुरू हुआ, इसकी शुरुआत यह है, जीनिसस है, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर है। अच्छा दूसरी चीज़ है कि मैं कहाँ भी जाता हूँ लोग इतने क्वेश्चंस पूछते हैं कि आज ये यहाँ जो बैठे हैं ये पूछेंगे और कल मैं बेंगलोर जाऊँगा तो वही प्रश्न वहाँ भी पूछा जाता है, तो इसको उत्तर दे देंगे मैं भी तंग हो गया हूँ। तो मैंने कहा कि किताब बन गई तो कोई उत्तर पूछेगा तो बोले कि उसमें देख लो। अच्छा श्रीम, आपने टाइटल जो रखा है इसका ऑन मेडिटेशन, हालांकि अंदर पतंजलि के योग सूत्र का भी हमें उल्लेख मिलता है, तो कोई वजह रही है कि टाइटल में योग का, अगर सिर्फ कोई किताब का टाइटल देखे तो योग शब्द नहीं दिखाई देगा उसे, मेडिटेशन एक मेडिटेशन, मुझे नहीं मालूम कि क्या नॉन योग मेडिटेशन भी होता है और नहीं होता है। कोई भी मेडिटेशन होता है तो योग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ही, तो टाइटल में योग ना रखने का कोई कारण है। हाँ, इसमें अगर योग हम कहीं कुछ योग लिख दें तो आजकल के जो जनरेशन है ना जो JNU वगैरह जाते हैं वो इसको नहीं पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, ये कहेंगे कि ये कुछ नहीं है, हमें योग योग नहीं चाहिए, ज़्यादा फिलोसॉफी हाँ नहीं, योग नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने खाली मेडिटेशन का ट्रैक दिया। तो मेडिटेशन तो हर आदमी को क्यूरियोसिटी होता है क्या लिखा है, पढ़ लें। मगर पिक्चर देखिए बिल्कुल योग ध्यान का पिक्चर है। जी जी, ये मैंने नहीं कहा, पेंगुइन से भेजा मुझे 4-5 ऑप्शन, मैंने इसको चूज किया, बस इतना ही किया। श्रीम, दोनों किताबें मेरे हाथ में हैं, शून्य उपन्यास और ऑन मेडिटेशन, इनको थोड़ा सा भी रन थ्रू भी किया जाए अगर इनमें से, तो एक चीज एक मतलब पाठक को सबसे पहले स्ट्राइक करती है और वो है आपका अध्ययन जो सिर्फ एक दिशा में नहीं जा रहा, हमें दुनिया की कई फिलॉसफीज के बारे में उल्लेख मिलता है इसमें। हालांकि आपका नाम जब लिया जाता है तो केनोपनिषद तक ही सीमित है ऐसा लगता है, लेकिन जब किताबें पढ़ते हैं तो आपका इस्लामिक फिलॉसफी हो, बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो, और मुझे नहीं मालूम ताओ शिंटो में भी शायद। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या अल्टीमेटली सभी फिलॉसफीज में कोई मीटिंग पॉइंट है क्या? अब ये डाइवर्सिटी के अंदर ये एक यूनिटी होती है। इसमें क्या है कि कोई भी रिलीजन या रिलीजियस टीचिंग आप देख लीजिए, आप अगर आप हिंदू सिस्टम में जाएंगे, हिंदू सिस्टम में अब इसको कम्प्लीटली रिलीजन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये
वे ऑफ लाइफ है जनरली, कल्चरल वे ऑफ लाइफ और फिलॉसफी. फिलॉसफी को धर्म नहीं कहते हैं, दर्शन कहते हैं. तो मतलब दर्शन का मतलब जो है, दर्शन का मतलब क्या है, आमने सामने जिसको देखा जाए वही दर्शन होता है. तो दर्शन खाली अंग्रेजी वर्ड फिलॉसफी से भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली फिलॉसफी थियोरेटिकल है. पीएचडी लिखते हैं लोग ये फिलॉसफी वो फिलॉसफी, वेदांत तो फिलॉसफी कर दिए हैं अभी, मगर ये सब दर्शन है. तो ये इमीडिएट है, जिससे हम आमने सामने दर्शन होता है उसी को दर्शन कर सकते हैं, कह सकते हैं. तो ऐसा बहुत रेयर मिलेगा आपको दूसरे सिस्टम्स ऑफ थॉट में, मगर ये नहीं कह सकते कि नहीं है, है. क्योंकि हर एक धर्म जो आपके, अब दर्शन छोड़िए धर्म पे आइए इतने हैं, तो उसमें किसी ना किसी एक को कुछ अनुभव होता है, और जिसको अनुभव होता है वो कुछ ना कुछ साधन तो करता ही है, उसके बाद ही अनुभव होता है. अब हिंदू सिस्टम ऑफ थॉट में एक डिफरेंस ये है कि एक आदमी का अनुभव नहीं है, ऋषि बहुत सारे ऋषियों का अनुभव है, तो थोड़ा क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स वो, आई एम नॉट सेइंग कॉम्प्लेक्स जो खराब है अच्छा है, ऐसा नहीं बोलो, कॉम्प्लेक्स. इसमें जो अकेला आदमी का एक्सपीरियंस होता है और ये एक टेक्स्ट निकलती है उसके ऊपर बेस करके रिलीजन बनता है, मगर उसका एक्सपीरियंस जो हुआ है वो आध्यात्मिक है, मिस्टिक है. उसके ऊपर ऐसे ऐसे करने से तुम ये पता चलेगा, ऐसा वो धर्म बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. ठीक है, वो एक सोसाइटी के लिए, एक सेक्शन के लिए, एक सिस्टम के लिए ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सली उसका एसेंस लगा सकते हैं, प्रैक्टिसेस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल सिचुएशन अलग है, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, अलग अलग रेस के लोग होते हैं, कभी कभी ये अप्लाई नहीं हो सकता है. अच्छा, इस मगर एसेंस तो है ही. अब ये एसेंस इतना स्ट्रक्चरली बंद हो जाता है, स्ट्रक्चर बनता है बाद में, स्ट्रक्चर बाद में एसेंस से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इसलिए ये जो एसेंस हर रिलीजन में और हर मिस्टिक थॉट में और हर दर्शन में होता है, ये स्ट्रक्चर से बॉग डाउन हो जाता है. तो इसलिए दिख नहीं पाता है. हिंदू सिस्टम ऑफ थॉट में देखना और आसान है, इसलिए कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकले हैं और बहुत सारे ऋषियों का एक्सप्रेशन है. ये तो जनरली एक डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए पकड़ना मुश्किल है कि अंदर जो एसेंस है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर मोर इम्पॉर्टेंट हो गया है. तो इसलिए अगर डेप्थ में जाके देखेंगे आप तो उसमें एक यूनिटी रहेगी, एसेंस रहेगा, मगर आजकल डेप्थ में नहीं देखते हैं लोग. आउटर सर्कमस्टेंसेस इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो यूनिटी दिख नहीं रही है. मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि उसकी कुछ यूनिटी दिखा दें, क्योंकि लोगों को ये नहीं गलत समझना कि सब गलत है, ऐसा नहीं समझना चाहिए. ये मैंने भी आपकी किताबों में देखा कि आप कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश है. कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है. इसलिए नहीं मिलता है कि स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग हो गया है बाहरी. ऐसा तो सूफी सिस्टम में भी मैं कुछ स्टडी किया हूँ. एक नक्शबंदी ऑर्डर है सूफीज में, जिनके फाउंडर थे बहाउद्दीन नक्शबंद, बुखारा में रहते थे उज्बेकिस्तान. तो उन्होंने एक चीज़ कहा, उन्होंने कहा कि 200 साल के बाद अगर कोई सूफी ऑर्डर रहा अभी, तो समझो कि खाली शेल है, उसका एसेंस उड़ गया है. ऐसा उन्होंने कहा. इसका मतलब यह है कि स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तो एसेंस अपने आप नीचे चला गया. उपनिषद का मेन अटेम्प्ट है कि स्ट्रक्चर्स को निकालें. इसीलिए जब कमेंट्री लिखा आदि शंकरा ने उपनिषद के बारे में, उन्होंने एक सिस्टम निकाला, उसका नाम है नेति. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सब ये नहीं है. जाते जाते जब एक जगह में पहुंचते हैं जहां इसको कुछ नहीं कह सकते हैं कि नहीं है, जो बाकी बचता है वो सच है, मगर उसको ढूंढना चाहिए ना. श्रीएम, बातचीत करते करते समय का पता ही नहीं लगा, अलग अलग बातों पे बात हुई, आपकी किताबों पे हुई, दुनिया के अलग अलग
दर्शन के जो ब्रांचेज हैं उन पे बात हुई। अंत में बस ये सवाल हमने आपसे 2012 में भी पूछा था, लेकिन फिर भी पूछना है, कोई हर्ज नहीं है। सब कुछ देखते हुए अल्टीमेटली पूरा ध्यान जाता है कबीर के दर्शन पे, एज अ पार्टिंग शॉट कबीर के दर्शन पे और हमारी जो मिली जुली सभ्यता है उस पे एक लास्ट कमेंट आपका है। कबीर का दर्शन तो आप कितने भी उनके दोहे और उनकी शब्द पढ़ें, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे एक दो लगते हैं, वो मैं आपको बोलूँ। एक है कि जाधड़ प्रेम न संचरी सोधड़ जान स्मशान, जैसे खाल लुहार की सांस ले तो बिनु प्राण, कबीरदास ने कहा है। आप देखिए इसका मतलब है कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो स्मशान इक्वल है। जैसा कि वो भी सांस लेता है आदमी, मगर वो जो लोहार का जो क्या बोलते हैं उसको, आजकल नहीं है बेलोस, वो आग पंप करने के लिए करते, वो भी ऊपर नीचे जाता है, वो भी सांस लेता है मगर उसके अंदर जान नहीं है। ये इनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट दोहा है। एक दूसरा, फानी केरा बुड़बुड़ा अस मनुष्य की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। तारा एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार ऑन, ये जिंदगी हमारी ऐसी है, इसमें क्या लड़ना झगड़ना क्या करना है। पानी का बुड़बुड़ा जैसा है, आता है तो सब रिफ्लेक्ट करता है, एक मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो इसकी छोटी ये लाइफ एंड डेथ के बीच में शांति से आदमी क्यों नहीं जिएगा, क्यों ये गड़बड़ करेंगे। ये दो चीज़। और ये समझिए कि कबीरदास ने बहुत पहुँचे हुए योगी भी थे। अगर आप धीरे से उनका केयरफुली पढ़ेंगे, उनकी एक जो क्या बाणी कबीर बाणी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा पूरे षट चक्र का डिस्क्रिप्शन, पूरे उड़ जाएगा पंछी अकेला उन्होंने गाया है, ये उड़ जाएगा पंछी अकेला, पंछी को हमसा कहते हैं, वो ये कोड है कि एक टेक्निक है मेडिटेशन का। जैसा कि अपने अंदर से जो सूक्ष्म शरीर और आत्मा है वो शरीर छोड़ के जा सकती है, अकेले ही जा सकती है, किसी को लेके नहीं जा सकती। हम लोग सोचते हैं कि मौत के बारे में नहीं, जिंदा जिंदा योगी जा सकता है। तो बहुत गहरी चीज़ें उन्होंने कहा है। और खाली बैठकर अपने कपड़े बनाते हुए उन्होंने अपना टेक्निक बेचा नहीं किसी को, जिया खाली हाथ से काम करके, और जो बात किया बाणी वो यूनिवर्सल है। ये बहुत बड़ी चीज है। श्रीम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमसे बातचीत की, वी हैव इमर्ज्ड एनरिच्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। धन्यवाद, नमस्कार।